पूजा सिंघल हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ईडी की टीम शुक्रवार को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर पंकज मिश्रा के ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उत्तराखंड से दिल्ली ले जाने की जानकारी दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंकज भैया भागते भागते आखिर उत्तराखंड के ठंडे मौसम में ही मिले, उन्हें दिल्ली लाकर ईडी पूछताछ कर रही है। गौरतलब हो कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा पर बीते 4 जून को केस दर्ज किया था। उन पर साहिबगंज जिले के बरहरवा थाने में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस बाबत उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में ईडी ने शंभू नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया है। शंभू ने ईडी को दिए अपने बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम लिया था। रांची से न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNSDAV Public School Giridih, continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up! Seats are limited.